मान लो कोई स्टूडेंट आईआईटी में जाता है एक बार के लिए और उसकी ऑल इंडिया रैंक मान लीजिए आती है 1000 एक बार के लिए, तो आउट ऑफ दैट दोज 10 लाख अभी की अगर हम बात करें तो कितने लोगों से वो एक बार के लिए ऊपर हो गया, 9,99,000। फील करो उस पावर को। जिस दिन आईआईटी का रिजल्ट आता है, जेईई मेन का भी आता है, जो भी फाइनल रैंक आती है, फाइनल रैंक की बात कर रहे हैं, और वो रैंक जिस स्टूडेंट की 1000 है, जो भी आप अपने रैंक इमेजिन करते हो, एक बार आप उसको इमेजिन कर लो, वट एवर दैट इज, एंड देन इमेजिन आप एक पहाड़ है, बड़ा सा पहाड़ है, उस पहाड़ में एक तरह से वो बना हुआ 1 मिलियन कॉम्पोनेंट से, और आप अगर उसमें 1 रैंक पे हो तो पहाड़ की चोटी पे हो, व्यू बहुत शानदार है। तो जो 1000 में है सोच के देखिए 9,99,000 उससे पीछे है अभी के लिए। तो लाइफ में बाद में चांसेस मिलते रहेंगे, जो बाकी पीछे रहेगा जिसकी अभी 2-3 लाख रैंक भी है उसको भी जिंदगी में बाद में चांस मिलेगा ही, जब तक हम जिंदा है चांस तो मिलेगा ही। लेकिन आप सभी को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये समय, इस समय जो चांस मिल जाता है उससे जिंदगी आसान हो जाती है। दो बातें होती है, या तो मस्ती अभी कर लो और बाद में स्ट्रगल करते रहो, या अभी पढ़ाई कर लो, अभी सब कुछ कर लो, जितना पढ़ाई कर सकते हो पूरी मेहनत लगा दो, और बाद में स्ट्रगल तो बाद में भी होगा ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा रिलेटिवली। और सभी को पता है कि ये टाइम बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपकी जो भी रैंक इमेजिन करो उस दिन, जिस दिन वो स्क्रीन पे रिजल्ट आने वाला है।